वेंकैया नायडू ने कहा संसद ठीक से चले ये सभी की मंशा, संसद को सुचारू रूप से चलाना सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी। असहिष्णुता पर बोले वेंकैया नायडू, देश में नहीं है असहिष्णुता का माहौल। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा सेक्युलरिज्म के राजनीतिक सूरमाओं ने धर्मनिरपेक्षता का किया बड़ा नुकसान, इस पर बहस अच्छी पहल। जीएसटी बिल पास कराने के लिए पीएम ने की पहल, सोनिया को किया फोन, पूर्व पीएम मनमोहन को भी दिया न्योता। शाम 7 बजे पीएम मोदी से सोनिया मनमोहन की होगी मुलाकात। आमिर अपने बेटे से मिलने के लिए लॉस एंजल्स रवाना, सूत्रों के अनुसार पहले से तय थी यात्रा। साध्वी प्राची ने आमिर सलमान शाहरुख को बताया देशद्रोही, कहा इन्हें सबक सिखाने के लिए इनकी फिल्में देखना बंद करें। आमिर के खिलाफ इंदौर की अदालत में देशद्रोह का मुकदमा, 3 दिसंबर को होगी सुनवाई। कांग्रेस नेता नगमा ने आमिर का किया समर्थन, बोली राष्ट्रपति आरबीआई के गवर्नर भी उठा चुके हैं असहिष्णुता का मुद्दा। गरिमा चौधरी ने कहा सबके विरोध का तरीका अलग। असहिष्णुता के विवाद पर गुजरात के लोकायुक्त का बयान, कहा यह कानून का मुद्दा नहीं राजनीतिक मुद्दा। आमिर के बयान पर बोले मुख्तार नकवी, आमिर खुद स्पष्ट कर चुके हैं वो देश छोड़ने वाले, तो ऐसा चाहें तो उन्हें कौन रोक सकता है। अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम का आमिर की पत्नी पर किरण राव पर वार, बोले किसी का अधिकार मारकर दूसरी शादी करने वाले नैतिकता की बात न करें। गौतम ने पीके फिल्म का दिया हवाला, कहा हिंदू देवी देवताओं के अपमान वाली फिल्म सहिष्णु देश में ही संभव। कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा, मंत्री के इस्तीफे की मांग। कुरुक्षेत्र में जगमग योजना को लगा झटका, दयालपुर में योजना का बुरा हाल, नहीं पूरा हो पाया 24 घंटे बिजली का वादा। दिल्ली विधानसभा में आज पेश होगा प्राइवेट मेंबर बिल, सदन के अंदर और बाहर विपक्ष के हंगामे के आसार। पूरे सत्र के लिए बीजेपी विधायक ओपी शर्मा के निलंबन पर घमासान जारी, बीजेपी आज करेगी विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार के खिलाफ कल भी सड़कों पर उतरी बीजेपी, सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा झूठ और भ्रष्टाचार का बनाया इतिहास। ओपी शर्मा पर आप विधायक अलका लांबा से बदसलूकी का आरोप, आम आदमी पार्टी ने कहा गिरफ्तारी से कम मंजूर नहीं। रोहिणी से आप एमएलए अखिलेश त्रिपाठी को 2 दिन की जेल, गैर जमानती वारंट के बावजूद हाजिर न होने पर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर आज सोनिया गांधी करेंगी फैसला, रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे आगे, अंबिका सोनी भी दावेदार। पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष के नाम पर आज सोनिया गांधी करेंगी फैसला। दिल्ली में 22 करोड़ 50 लाख की सबसे बड़ी लूट में अहम कामयाबी, पुलिस ने कैश वैन के ड्राइवर को ओखला से गिरफ्तार किया, कैशियर फरार। यूपी के बलिया का रहने वाला है प्रदीप शुक्ला, कम सैलरी, ड्यूटी के वक्त को लेकर था नाराज, कल एटीएम में रुपए लोड करने ले जाते वक्त वैन लेकर हो गया था फरार। पुलिस की 20 टीमें पूरे मामले को सुलझाने में जुटी थी। दिल्ली के कड़कड़कुमा कोर्ट के जज का मोबाइल फोन छीनकर 2 फरार, 2 बाइक सवार बदमाशों ने मधुविहार में छीना फोन, मामला दर्ज। दिल्ली में पुलिस की वर्दी पहनकर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तिलकनगर में 2 गिरफ्तार, आरोपियों से नकली आई कार्ड, पुलिस की वर्दी बरामद। दिल्ली के जैतपुर थाना के एडिशनल एसएचओ और दूसरे पुलिसकर्मी पर 5 लाख रुपए घूस लेने का आरोप, नगर पार्षद के पति ने लगाया आरोप। बिहार में अगले साल 1 अप्रैल से लागू होगी शराबबंदी, मुख्यमंत्री नीतीश ने किया ऐलान, फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत।
भारत ने अग्नि वन मिसाइल का किया सफल परीक्षण, परमाणु अस्त्र ले जाने में सक्षम है अग्नि। नकवी ने पाकिस्तान से क्रिकेट सीरीज पर कहा, बीसीसीआई और सरकार देश की भावनाओं को देखते हुए लेंगे फैसला। यूपी के बस्ती में क्राइम ब्रांच के सिपाही ने दंपति को पीटा, गाड़ी को ओवरटेक करने को लेकर पिटाई। सिपाही के करतूत पर लोगों का प्रदर्शन, कांस्टेबल पर कार्रवाई का सीओ ने दिया भरोसा। बिल्डर मुखर्जी को दिल्ली लेकर पहुंची सीबीआई, जांच एजेंसी करा सकती है पॉलीग्राफी टेस्ट, मुंबई में अदालत ने 30 नवंबर तक सीबीआई हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र सरकार को अदालत की फटकार, डांस बार के लिए 2 हफ्ते में लाइसेंस जारी करने का आदेश, मुख्यमंत्री का बयान, डांस बार का विरोध जारी रहेगा। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश का खुलासा, 30 आतंकवादियों की घुसपैठ की तैयारी। गाजियाबाद के मोदी नगर में अस्पताल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, 15 मरीजों की आंख के ऑपरेशन में 9 ने गवाई अस्पताल की लापरवाही की वजह से अपनी आंख की रोशनी। मथुरा के गांव में पटाखा चलाने के विवाद में घायल युवक की मौत, परिजनों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। झारखंड के देवघर में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला की सड़क हादसे में मौत, स्कूली बस ने कुचला। यूपी के मैनपुरी में 5 लोगों पर दरिंदगी में हद पार करने का आरोप, तंत्र मंत्र के फेर में 3 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या। बिहार के समस्तीपुर में सरकारी स्कूल के शिक्षक पर छात्रा की बेरहमी से पिटाई का आरोप, बेहोश हुई छात्रा, परिजनों ने किया हंगामा। समस्तीपुर में थाना प्रभारी ने करवाई प्रेमी युगल की थाने में शादी, रात के वक्त स्टेशन पर बैठकर दोनों को थाने ले आई थी पुलिस। युगल की मंशा जानकर दोनों परिवारों को बुलाकर थाने में ही शादी कराई, गरीब परिजनों की प्रभारी ने मदद की, निकाह का खर्च खुद उठाया। भीलवाड़ा में नशे की हालत में एक युवक ने गाय को मार डाला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गौहत्या के मामले में एक महिला को 1 साल के कठोर कारावास और 10,000 का जुर्माना, चित्तौड़गढ़ की अदालत ने सुनाया फैसला। गोरखपुर में पंचायत चुनाव के दौरान जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत, 12 की हालत गंभीर, एक प्रत्याशी ने बांटी थी शराब, मृतकों के परिजनों, राज्य सरकार ने दिया 2-2 लाख का मुआवजा। अलवर में ऊंटों की तस्करी का पर्दाफाश, पुलिस ने हरियाणा भेजे जा रहे 35 ऊंटों को मुक्त कराया, 2 ट्रक बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। लुधियाना पुलिस ने 2 किलो 300 ग्राम हीरोइन बरामद की, 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी पर आतंकियों से जुड़े होने का शक, सभी आरोपी श्रीनगर के रहने वाले, जांच के लिए लुधियाना पुलिस की टीम जम्मू कश्मीर गई। जहाँ तक याद याद आती रहेगी।